नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बैंकों की शिकायत करना अब और आसान होगा और साथ ही रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदना आसान हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक की दो ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिनका आम आदमी को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की। आइए जानते हैं कि क्या है ये योजनाएं और इनका आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात रिटेल डायरेक्ट स्कीम की, तो पहले आप जान लीजिए आखिर ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है। इस स्कीम से रिटेल निवेशकों की सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट तक पहुंच आसान हो जाएगी। वहीं रिटेल निवेशक अब मुफ्त में आरबीआई में अपना सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट या रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट यानी आरडीजी खोल सकते हैं। आरडीजी अकाउंट को ऑनलाइन खोला जा सकता है। इसका फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आए ओटीपी को भरना होगा। इसका भुगतान लिंक किए गए बैंक खाते से नेट बैंकिंग यूपीआई सुविधा के जरिए किया जा सकता है। अब बात रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की। रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना से देश में लोगों की ओर से बैंकों की शिकायतों के बारे में समाधान प्रक्रिया में और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे सोच ये है कि आम लोगों की शिकायतों का समाधान जल्द और आसान तरीके से हो सके। इस स्कीम की थीम एक देश एक लोकपाल बनाई गई है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा। इस एक विंडो से बैंक ग्राहक अपनी शिकायतें फाइल कर सकेंगे, दस्तावेज जमा कर पाएंगे और शिकायतों की प्रगति की निगरानी करते हुए अपना फीडबैक भी दे पाएंगे। इस संबंध में टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।